नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिम झिम। दोस्तों, सातवें चरण और अंतिम चरण के लिए लोकसभा के लिए जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो गया, यानी कि 30 तारीख है और शाम को प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। और अब बंद होने के बाद कल आराम करना है और फिर परसों जो है वो मतदान करना है। परसों दिन जो है तमाम कैंडिडेट के जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी और इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का नाम है। पवन सिंह जब प्रचार प्रसार बंद हो गया है तो उन्होंने काराकट का जो परिवार है उसको लेकर जो है उन्होंने अपील किया है। हालांकि वो अपील में क्या कुछ लिखा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि काराकट में पवन सिंह लड़ाई में हैं। ये तो कन्फर्म है कि काराकट में पवन सिंह जो हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और पवन सिंह ने मामला को पूरा का पूरा त्रिकोणीय बना दिया है। पवन सिंह ने बढ़िया तरीके से कैंपेन किया, साफ सभी के साथ कैंपेन किया, कोई भी ऐसा आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया जो इलेक्शंस के दौर में होता है। पवन सिंह को हालांकि लफुआ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके का अलग प्रतिक्रिया दिया गया था, लेकिन उसको लेकर पवन सिंह ने भी उस पर बाजी मार दिया, गेम खेल दिया और उन टीन एजेंट जो खास करके युवा जो हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ बोला भी, तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई थी। हालांकि पवन सिंह की तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया, हर जगह पूरे क्षेत्रों में बराबर समय दिया गया और सभी जगह कैंची छाप पहुंचाने का प्रयास किया गया। पवन सिंह ने अपील में लिखा है कि लोकसभा चुनाव प्रचार में जनसंपर्क सभाओं एवं भ्रमण के दौरान आप सभी माताओं बहनों युवाओं को स्नेह और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हुआ। मैंने परिवारजनों ने, सगे संबंधियों ने, भोजपुरी कलाकार साथियों मन लोगों ने, मैं हूं पवन का प्रतिनिधित्व करते हुए काराकट के सभी गांव, प्रत्येक छोटी सी छोटी गली, हर घर में जाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन यदि किसी कारणवश मैं आपसे नहीं मिल पाया तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। आपका बेटा पवन आपसे इस काराकट लोकसभा परिवार के सभी परिवारजनों से विनम्र निवेदन करता है कि काराकट लोकसभा को विकसित, समृद्ध एवं सशक्त बनाने के लिए 1 जून दिन शनिवार को ईवीएम मशीन में क्रम संख्या 12 नंबर पर कैंची के सामने वाला बटन दबाकर अपने मतों का प्रयोग करें। आपका एक वोट काराकट लोकसभा क्षेत्र में विकास महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं सभी से वादा करता हूं कि काराकट लोकसभा क्षेत्र को विकसित, समृद्ध एवं सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जो वचन पत्र के माध्यम से आपको दिए हैं वो जरूर पूरे होंगे। काराकट को अपने परिवार के रूप में सुरक्षित और संरक्षित रखने का सदैव जो है संकल्पित रहूंगा। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी, तो पवन सिंह ने इस तरीके से एक अपील किया है। बाकी इस अपील का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये लोग आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, धन्यवाद।